बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम परदेसी भाइयों को। भाई यौमुल जुमा मुबारक, जुमा तो सुबह है। आज मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में पता ही नहीं चलता है कि भाई के जुमा है या हफ्ता है या इतवार है, मंडे है, ट्यूसडे, यानी कि आप काम के ऊपर जा रहे हैं आ रहे हैं। यकीन कीजिए, मैं मेरी बात आपको इस वीडियो के मुताबिक भी अपडेट कर देता हूँ। मैं जुमे वाले दिन पाकिस्तान बाज़ारों में ऐसे रश होता है जैसे कि भाई सुबह ईद है। यकीन कीजिए, जुमा बाज़ार लगे हुए हैं। हालांकि सऊदी अरबी में हम कैसे भाई, आपको पता है, ओ भाई लंबी तान के सोए, एक तो दिन आता है छुट्टी का और जुमे रात वाले दिन रात को ब्रोस खाते हैं और घूमते फिरते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोते हैं। और साथ में शायद एक आधा वीडियो दिखा रहा हूँ आपको बनी मालक की, हम भी बहुत इंजॉय कर। अच्छा, उसके बाद भाई जुमे वाले 10 बजे 11 बजे उठते हैं, ऐसी छुट्टी होती है भाई। ये बात बताने का मकसद सिर्फ पाकिस्तानियों को था, परदेसी तो जानते हैं। बहरहाल जी, कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है कि 50,000 का फाइन, 13 साल कैद और इसके बाद डीपोर्ट और मोबाइल वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी जब्त। हम ताइफ में थे, आपको आप बीती सुना दे दूँ अपनी, तमाम परदेसी भाई मेरे, मैं ये तो हमारे साथ आप बीती है, इसके अलावा मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त उसके साथ ऐसा होता भी देखा कुछ, वो मामला और है जी, किसी और तरफ चल पड़ेगा। आपको आप बीती एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। ताइफ में थे हम, हाविया में, ताइफ में भाई मैं सिजन के पास रखा हूँ दखल वाखत में, ठीक है, और उसके बाद हम फैसलिया में रहे हैं, उसके बाद वादी वज रोड, उसके बाद हाविया में, एक हाविया में तकरीबन 2 साल। तो बहरहाल जी, 23/23 के साथ आप समझ गए, जहाँ फुटबॉल का बड़ा ग्राउंड है जो ताइफ ताइफ में है वो जानते हैं, वहाँ पर बकर मंडी लगती है बहुत बड़ी। तो ईद का दिन और हम घूमे जा रहे हैं बकर मंडी, बड़ी थी कुर्बानी के लिए, चलो को बकरा वगैरह देख लें। तो 4-5 दोस्त ऐसे रले हुए हैं पैदल ही, और एक बंदा आता है पाकिस्तानी, मुझे सराइकी टाइप लगता था, अभी सराइकी भाई गुस्सा मत कीजिएगा यार, मुझे लगा, लेकिन शायद कोई और भी हो सकता है। अच्छा, वो हमें आगे हमारे पास आकर गाड़ी रुकता है, हमें बोलता है हाँ भी कोई भाई चीज़ वगैरह चाहिए। हमने बोला भी शायद को बकरे वगैरह बेचता है, इससे सस्ता मिल जाए शायद। हमने बोला भाई क्या क्या है तुम्हारे पास, वो कुछ चीज़ मज़े के लिए। और मैंने बोला भाई ये देख, अल्लाह का नाम है, ये पाकिस्तानी है, जा यार, क्यों हमारे छितर भी डलवाने हैं टुए के ऊपर तुमने यहाँ पर, और बाद में डिपोर्ट भी करवाना है हमें। तो बहरहाल उसने गाड़ी का गियर लगाया और वो जा रहा है। तो बात कर, ये आपको इसलिए सुना रहा था कि ये एक गैर मुल्की परदेसी भाई पकड़ा गया है। मैं नाम नहीं जाहिर करूँगा किसी भी कंट्री का, पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, या जाहिर सी बात है भाई हैं हमारे सब, हमेशा यही भाई हैं सारे आपस में। बहरहाल जी, ये भाई साहब पकड़े गए हैं परदेसी भाई, और इनके पास से चरस बरामद हुई है। ये ऐसा नहीं था कि चरस लेकर आधा किलो एक पाओ अपनी पॉकेट, मैंने जजान से आगे सभी से आगे इदाबी से आगे टॉप ऑफ द फीफा, यमन का बॉर्डर है साथ में, वहाँ से लाइव वीडियो शेयर की हुई, इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई, जाकर देख लीजिएगा, शायद एक आपको क्लिप वगैरह या कोई पिक्चर वगैरह दिखा रहा हूँ साथ में। मैंने वहाँ से ऐसे ऐसे सीन देखे हैं कि यकीन कीजिए, अभी मैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर लाइव शेयर नहीं कर सकता, घात जो खाते हैं उस एरियाज में आपको पता है। तो तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा गुजारा है उन इलाकों में। तो बहरहाल जी, ये बंदा, ये तो जद्दा से पकड़े गए हैं, और इनके पास ऐसा नहीं था कि चरस की एक पाव की या 50 ग्राम नहीं यार, एक दो सिगरेट की थी थोड़ी बहुत, तो भाई पकड़ लिए शुरतों ने। उसके बाद इनके ऊपर 50,000 का फाइन, साथ में आपको दिखा रहा हूँ मैं, 13 साल की कैद, और साथ में जो मोबाइल वगैरह इनके पास जो भी था वो भी जब्त। और उसके बाद ये सजा काटने के बाद इनको डिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, इसमें माफ़ीनामा आ जाएगा इनका, 1 साल के बाद आ जाए, 2 साल के बाद आ जाए, 4 साल के बाद आ जाए माफ़ीनामा, या पाकिस्तानी सफारा की तरफ से, या हमारा कोई वज़ीर आज़म जाता है, या शाह जी को मैं सलूट करता हूँ वैसे, शाह जी आ जाते हैं पाकिस्तान में, और जैसा कि खान साहब ने एक दफ़ा इल्तजा की थी और वहाँ से कुछ कैदियों को रिहाई दे दी गई थी, तो ये मामला जो देते हैं इनकी जान पहले छूट जाए, वरना तमाम परदेसी भाई इस लानत से दूर ही रहें यार, ये पीछे बैठी फैमिलीज़ के लिए बहुत टेंशन है, हम तो वहाँ जैसे तैसे भुगत लेंगे, लेकिन पीछे जो आपकी फैमिलीज़ है ना, वो भाई बहुत परेशान होती हैं।